मामूली कासुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, लगभग जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। दरअसल आपको बता दें, बागपत कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव का मामला है, जहां बच्चों के विवाद को लेकर बड़ों में खूनी संघर्ष हो गया और पथराव हो गया, जिसमें धारदार हथियार चले। महिला सहित तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। आखिर अपने ही अपनों के दुश्मन बन जा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार। कहाँ से आए? निवाड़ा गाँव से। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ, एक हमारा छोटा बच्चा दुकान पर गया था सामान लेने के लिए, और वहाँ ऑफिस में दुकानदार का और उसका छोटे बच्चे का झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुई। तो भी हुआ किस बात को ऊपर हुआ कुछ ये नहीं पता कुछ क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद में उन्होंने घर पर आगे हमला किया, हमारे बच्चों के बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, और फिर एक उसे पथराव किया। ये हुआ सर हमारे साथ। कितनों के चोट? छः के चोट है। दो तो मेरी अपनी बच्ची हैं, अमरीन और जैनब, और साकिब है, और के नाम मैंने क्या बात ना हुआ करते हैं। अंदर चले आ जाते, अंदर चिट्ठी बनवा लो सब। ऊपर को कर ले, ऊपर को बैठो, ऊपर को मुकर जाना, जाना ऊपर को मुकर।